देशभक्ति जनसेवा की शपथ लेने वाले दो आरक्षक लुटेरे बन गए। वे लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को लूट रहे थे। 3 दिन पूर्व भी इन आरक्षकों ने शराब माफिया की शराब पकड़कर 7 लाख रुपए और 35 पेटी शराब लूट ली। शराब भूसे में छुपाकर सतना के रास्ते शहडोल जिले के ब्योहारी ले जाई जा रही थी। हालांकि अमरपट्टन पुलिस ने शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पूछताछ में आरक्षकों की करतूत सामने आ गई। इस मामले में सतना पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं आरक्षकों सहित 5 पर लूट का मामला दर्ज किया गया है। मामले के बाद से दर्जनों आरक्षक फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला शराब तस्करों से मारपीट कर पैसे और शराब लूटने का है। घटना में सिपाहियों सहित शामिल 5 लोगों पर लूट का मामला दर्ज हुआ है। ज्ञात हो कि शनिवार की सुबह अमरपाटन पुलिस ने भूसे से लदे ट्रैक्टर को पकड़ा था, जिसमें 59 पेटी शराब मिली थी। ये शराब राजस्थान से लाई गई थी। इसके अंदर कई ब्रांड की शराब पाई गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों से पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पूछताछ की और आरोपियों के बयान सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। आरोपियों ने खुलासा किया कि सतना में 2 पुलिसकर्मियों के साथ आधा दर्जन लोगों ने पूरी शराब पकड़ ली थी और 7 लाख की नकदी और 35 पेटी शराब लेकर बाकी शराब छोड़ दी। आरोपियों के खुलासे के बाद SDOP हिमाली सोनी ने जांच की और महज 48 घंटे में इस मामले का खुलासा हुआ। तस्करों से रुपए ऐंठने की भी पुष्टि हो गई। अमरपाटन थाना क्षेत्र में कुछ इलीगल लिकर पकड़ी गई थी। ये इलीगल लिकर राजस्थान के भरतपुर से स्मगलिंग करके लाई गई थी ट्रैक्टर ट्रोली में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे फैक्ट संज्ञान में आए थे कि उस ट्रैक्टर ट्रोली को रात में पुलिस के कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर डिटेन किया गया और उनको केस में बंद करने की धमकी देके कुछ अवैध लाभ अर्जित किया गया है। इस जानकारी के आधार पर हमने एक पृथक FIR पंजीबद्ध की है थाना कोतवाली में। इसमें एक सतना जिले का कांस्टेबल है मयंक मिश्रा और एक कांस्टेबल रीवा जिले का है और कुछ प्राइवेट लोग हैं। तो ऐसे एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें हमने एक्सटॉर्शन की धाराएं और करप्शन एक्ट की धाराएं लगाई हैं। केस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को दिया है। इसमें सब्सिक्वेंटली जो भी एविडेंसेज आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसमें विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। फिर क्या, पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक मयंक मिश्रा और रीवा के चुराटा थाने में पदस्थ आरक्षक शुभम द्विवेदी को निलंबित कर दिया और वहीं सतना सिटी कोतवाली में थाने में दोनों आरक्षक सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। सभी आरोपी फरार हो चुके हैं। बिंद किरण के लिए सतना से चेतन गर्ग की रिपोर्ट।